सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। एक वक्त अपनी गेंदबाजी की धार से दुश्मनों को ध्वस्त करने वाले ऐसे श्रीसंत अब कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। जी हां, यही सवाल अब लगातार उठ रहा है, क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा क्रिकेटर ऐसे श्रीसंत पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध बहाल कर दिया है। बीसीसीआई ने इससे पहले केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। बीसीसीआई ने अपील में कहा था कि इस क्रिकेटर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला उनके खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर किया गया है। चीफ जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने फैसला दिया कि कोर्ट बीसीसीआई द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए बीसीसीआई की अपील को स्वीकार किया जाता है। कोर्ट ने अपील पर दो दिन सुनवाई करने के बाद यह फैसला किया। इस फैसले के बाद श्रीसंत रणजी ट्रॉफी के आगामी मैचों में केरल की टीम की ओर से नहीं खेल पाएंगे। इसके साथ ही वो बीसीसीआई और किसी राज्य क्रिकेट संघ के अंतर्गत होने वाले प्रैक्टिस सेशन का भी हिस्सा नहीं होंगे। श्रीसंत कोर्ट के इस फैसले से काफी नाराज हैं। उन्होंने इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तक का सबसे बुरा फैसला है। अब श्रीसंत के पास केवल सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बाकी है और श्रीसंत के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो इस फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी पाए जाने के बाद श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले में उन्हें मई 2013 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने फिक्सिंग के आरोप में 17 मई को मुंबई में श्रीसंत और उनके साथी खिलाड़ी अजीत चंडीला और अंकित चौहान के साथ गिरफ्तार किए थे। लेकिन अब श्रीसंत की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब लगता नहीं कि उनको सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिल पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।